हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप शूट किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि बाद में ना बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट करते हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे वीडियो शूट कर लिया। वैसे मुझे यहाँ पे वीडियो शूट करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप लोगों को तसल्ली के लिए शूट कर लिया था। तो यहाँ पर मैं लॉकेट देख रही थी, इन लॉकेट के जो प्राइस है ना वो बहुत ज़्यादा हाई थे। तो एक्चुअली मुझे तो छोटा सा लॉकेट लेना था, तो मैंने क्या क्या लिया वो मैं आपको घर जाके सारा कलेक्शन दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप मत करना, मैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो मैं सारी चीज़ें आपको घर पे चल के दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी है। और पहले मैं सोनार की दुकान पे गई थी, अपने फेवरेट सोनार की दुकान पे ही चली गई थी, क्योंकि फिर आप जिसको जानते हो ना वहीं से चीज़ें लेने सही रहती है, क्योंकि आप थोड़ा बहुत उनसे घटा बढ़ा भी सकते हो, लेकिन अदरवाइज़ किसी और की दुकान पे पहली बार जाओ तो वो क्या कट कर लेता है क्या नहीं। क्योंकि मुझे बहुत सारे अपने चांदी के पायल जो है देने थे, जो कि मैंने इनके यहाँ से लिए थे। और उसके बाद मैंने बेटे के लिए लिया एक जोड़ी कपड़े, और उसके बाद स्कूल का टाइम हो गया था, फटाफट हम स्कूल गए, बेटे को लेकर आए, और फिर इसको मैंने सैंडविच लिया, और साथ में बर्गर और दो शेक लिया, एक स्ट्रॉबेरी और एक मैंगो। फिर यहाँ पे हस्बैंड ट्राई करा रहे थे। एक्चुअली वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, मतलब कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा भरा रहता है सोनार की दुकान। तो मैंने उनको कट करने के लिए उसी टाइम बोला था, वो मतलब बातों बातों में भूल गए, और मैं भी ले कर चली आई, बेटे के स्कूल का टाइम हो रहा था, तो फिर मैं फटाफट घर चली आई थी, तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। फिर मेरे को दोबारा जाके चक्कर काटना पड़ा, मतलब दूसरे दिन मैं कट करवा के लेकर आई। जब मैंने इसको पहन के देखा, हस्बैंड ने पहनाया, पहन के देखा तो ये पूरा पैर से बाहर निकल जाता था, हड्डी जैसा पैर है मेरा, पतला इतना पैर है ना कि मैं क्या बोलूँ। फिर एक ये दिखा रही हूँ मैं आप लोगों को क्लोज़अप, फिर मैं वीडियो में आपको एक एक वन बाई वन करके सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा कलेक्शन कैसा लगा, मेरी शॉपिंग कैसी लगी। तो ये फेस्टिवल की कुछ शॉपिंग मैंने करी है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो फाइनल एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का नीरज सालनी ऑफिशियल में स्वागत है, और आज मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करने वाली हूँ, जो कि 110% रियल गोल्ड एंड सिल्वर होने वाला है। तो चलो मैं फटाफट वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि मैंने पूरे 2 घंटे से वेट कर रही हूँ लाइट का, क्योंकि जब से मार्केट से आई हूँ ना तब से वेट कर रही हूँ कि लाइट आए। पूरे 2 से 2.5 घंटे के बाद लाइट आई है, और इसलिए नहीं कि पंखे का हवा खा सकूँ, बल्कि इसलिए कि फटाफट लाइट आए, मैं वीडियो शूट करूँ और उसके बाद अपने कपड़े चेंज कर सकूँ। इसलिए मैं कब से वेट कर रही हूँ, मैं जब से मार्केट से आई हूँ मैंने कपड़े तक अपने नहीं चेंज किए हैं, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी आज की वीडियो। तो बहुत सोचा मैंने, और इनसे डिस्कस करने के बाद फाइनली जो है मैं अपने फेवरेट ज्वेलर्स के पास ही गई लेने के लिए। पहले भी बता चुकी हूँ, मेंशन कर चुकी हूँ, मेरे फेवरेट ज्वेलर्स वही है। तो ये एक पैकेट है और एक ये पैकेट है। क्या क्या लिया है, इनका नंबर वगैरह इसमें लिखा है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ। तो ये 2 पैकेट है मेरे पास, और फटाफट दिखाती हूँ कि क्या क्या लिया है। और पहले जब मैं चीज़ें लेती थी ना, तो मैं वीडियो शूट नहीं करती थी, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने बताया था, जैसा कि बहुत हमने रिटर्न भी कर दिया है, दे भी दिया है, और क्या कुछ लिया है, क्यों लिया है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। फिलहाल बस आपको अभी डिज़ाइन दिखा देती हूँ, प्रॉब्लम्स भी बता दिया था, बहुत सारी चीज़ें हैं इंक्लूड करने के लिए, बट अभी क्या इंक्लूड करूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्यों ली, किस लिए लिया, मैं आपसे बात भी करते जा रही हूँ, क्या क्या लिया वो भी मैं आपको साथ के साथ दिखाते जाती हूँ। कि वैसे तो मैं चांदी का सामान लेने के लिए ही गई थी मोस्टली, और गोल्ड में ज़्यादा कुछ नहीं लिया है, 1-2 आइटम ही है, तो मैं फटाफट आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपने नोज पिन से, जो कि मैंने गोल्ड का लिया है, और सारी वीडियो मैंने लेते हुए बनाई है, पहले नहीं बनाती थी, क्योंकि पहले मुझे आइडिया नहीं था, जब मैं कलेक्शन बना रही थी तो उससे पहले कभी मैंने ज्वेलर्स की शॉप पे जाके वीडियो नहीं शूट किया था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, हो सकता है किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे वीडियो शूट करते, तो इसी वजह से मैं पहले वीडियो नहीं शूट करती थी। और अब मैं वीडियो शूट करती हूँ इसलिए ताकि आप लोगों का ना डाउट क्लियर हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत गंदे गंदे कॉमेंट आते हैं ज्वेलरी कलेक्शन के ऊपर, तो इसलिए अब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। ये नथ है मेरी, इसको निकाल देती हूँ, और आपको नया जो मैंने डिज़ाइन लिया है
बहुत छोटा सा मैंने ये लिया है नाक का, देख सकते हो, जिसमें बीच में पिंक कलर का स्टोन है। स्टोन वाला ही लिया, पहले मैं बिना स्टोन वाला ले रही थी, लेकिन हस्बैंड ने बोला सारा डिजाइन जो है पुराना हो चुका है तो कुछ नया ले लो, तो ये लिया है। और छोटे छोटे मैंने वीडियो क्लिप वहां पे शूट कर लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए, ताकि आप लोग भला बुरा ना बोलो। तो ये वाला डिजाइन मैंने लिया है बहुत छोटा सा पहनने के लिए। और सेकंड, और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने अपने आप से वादा किया है, आप लोगों से वादा किया है कि अब बस कुछ तो करना है, कुछ तो करना है, बहुत लाइफ में कुछ तो चेंजेस लाने हैं, है ना। तो ये मैंने नथ पहन पहन के मैं बोर भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने ये वाला पैटर्न लिया है। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। सेकंड जो है ये मैंने लिया एक रिंग, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, देख सकते हो, ठीक है। और सिल्वर रिंग में उनके पास ना इतने डिज़ाइन थे कि मेरा दिमाग ना बौखला गया था। और ये अभी जो मैंने ज्वेलरी लिया है ना, अपने खुद के पैसों से लिया है, और अभी मैं कुछ टाइम से जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ काम को लेके, चीज़ें ले जाके बेच रही हूँ, ला रही हूँ, फिर बना रही हूँ, ऑर्डर पूरे कर रही हूँ। तो इस समय मैं फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ, जिसकी वजह से प्रॉपर कोई वीडियो नहीं शूट कर पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से है चांदी का रिंग। एक मैंने और चांदी का रिंग लिया हुआ है, लेकिन वो मैंने कहाँ रखा है वो मुझे भी फिलहाल मिल नहीं रहा है। तो ये देख लीजिए इस तरीके से, और इसकी स्टोन की क्वालिटी, डिज़ाइन बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये मैंने एक रिंग लिया हुआ है चांदी का। अभी ज़्यादा आप उम्मीद मत करना कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीद मत करना, नहीं है। और इस बार उन्होंने इस तरीके से ना पर्ची बना के नहीं दिया, वो जो पहले लिख के देते थे ना, अब नहीं है। अब उनका जितना भी पर्ची है ना, सब कंप्यूटर से निकलता है, और बकायदे स्टम्प लगा के और साइन वगैरह करके देते हैं, ठीक है। और गोल्ड की जो रेट इस समय चल रहा है वो 66 चल रहा है, 66,000 चल रहा है। तो आपके यहाँ कितना चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जो पूछा है वो 66 के आसपास है, इसमें क्या है आइडिया नहीं है। तो एक मैंने नोज पिन लिया है, और सेकंड मैंने रिंग लिया है, और अब मैं दिखाती हूँ ये मैंने क्या लिया है। ये छोटी सी चीज़ ही है, लेकिन इसकी कीमत जो है कम से कम 11.5-12 के आसपास की चली गई थी। ये देख लीजिए, ये छोटी सी है, मैं आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ, और लेते समय भी मैंने छोटे छोटे वीडियो क्लिप बना लिए हैं। और ये देखने में चाहे कितना भी छोटा या छोटा नहीं है, बहुत अच्छा खासा इसका साइज है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें वेट बहुत है, वेट का ही पैसा है, मतलब वेट जब वेट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही पैसा देते हैं। और ये सिर्फ एक तरफ का नहीं है कि मतलब ये एक होता है ना पतला सा दिल बना देते हैं, वैसा नहीं है, ये बॉक्स जैसा है। देखिए अगर आपको दिख रहा हो अच्छे से, तो ये पूरा बॉक्स है, तो बॉक्स के अंदर का ही पूरा ये वेट है, बॉक्स जैसा बना है, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा खासा वेट है। तो लाइट वेट मैंने नहीं लिया है, मैंने 10-12 हज़ार रुपये इसमें लगाया है। इतने में तो मतलब आजकल अगर आप सोचो कि 10-12 हज़ार का आपको सोने का कान का मिल जाए, चैन मिल जाए, कुछ नहीं मिलने वाला, बस यही है, ठीक है। ये देखिए, तो एक मैंने ये लॉकेट लिया अपने ये चैन में लगाने के लिए, तो और इस तरीके से उन्होंने लगा के मुझे दिया है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, हालांकि मुझे गर्मी लग रही है। नेक्स्ट मैंने क्या लिया है वो भी मैं दिखा देती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है ये चांदी का, ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, ये 6.5 के आसपास का मुझे पड़ा है। मैं प्राइस भी मेंशन करते जा रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में आप लोग पूछते हो ना, तो इसी वजह से। देखो उन्होंने कैसा, अभी मैंने कटवा के ना इसको छोटा करवाया है, सही से नहीं जोड़ा उन्होंने क्या। तो ये एक मैंने बिल्कुल सिंपल सोवर पायल लिया है, इसमें बीच में स्टोन लगे हुए हैं, ये बहुत सुंदर लग रहा है, ज़्यादा हैवी नहीं, लेकिन ऐसा कुछ मैंने पायल लिया है। ये देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल सोवर पायल, मुझे एक ऐसा पायल चाहिए था। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आपको पायल दिखा रखे हैं, मेरे पास कम से कम पायल बहुत सारे हैं, रियल सिल्वर के पायल बहुत सारे हैं मेरे पास, जिनको मैंने सब चेंज कर दिया है। अभी अपने पास मैंने एक भी पायल फिलहाल के लिए नहीं रखा है, सिवाय इस वाले पायल का। तो वही मैंने अपने सारे पायल दे के
जो भी मेरा उसमें पैसा निकला था वो मैंने एक पायल लिया है, मतलब वो सारे कुछ किसी के टुकड़े थे, किसी के कुछ थे, किसी के कुछ थे, तो एक का तो इतना छोटा सा टुकड़ा था, उसका पता कितना मुझे मिला, 80 रुपीज़ है। तो सब मैंने टुकड़े जोड़ जाड़ के करके ये कुछ मिला के मैंने ये वाला मतलब एक पेयर पायल लिया है, ठीक है, ये देखिए। और सभी की वीडियो मैंने बनाई है, इससे हल्का पायल भी था जिस मतलब 3,500-4,000 तक में मतलब पायल आ रहा था अच्छा सा, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक मैंने चांदी की चेन ली है जो कि अपने बेटे के लिए लिया है, वो अभी पहन के गया है, थोड़ा वॉशरूम गया हुआ है, तो वो पायल भी मैं अभी वीडियो के साइड में लगा दूंगी, तो आप लोग देख लेना। एक मैंने चांदी का मतलब अभी क्या क्या लिया है मैंने वो टोटल बता देती हूँ। एक मैंने लिया है ये नोज पिन, सेकंड मैंने लिया है रिंग, थर्ड मैंने लिया है बेटे के लिए चांदी की चैन, और फोर्थ मैंने लिया है अपने लिए एक लॉकेट, और फाइव मैंने लिया है अपने लिए एक चांदी की पायल। तो ये पांच चीज़ें मैंने इकट्ठा कल सारा एक साथ ही लेकर आई थी, अलग अलग कुछ नहीं, सारा एक साथ ही मैं ये सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो छोटे छोटे वीडियो क्लिप मैंने बना लिया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ताकि डाउट में मत रहना कि फिर लिखने वाले तो लिख देते हैं, किसी के सामने वाले की मेहनत नहीं देखते कि सामने वाला अपने किस मेहनत से कैसे जोड़ के लेता है। मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि पैसा ऐसे जगह इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पे आपको इन फ्यूचर बेनिफिट मिल सके, और ये एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी आपका खराब नहीं जाएगा, हमेशा आपके काम आएगा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं चाहे 2 रुपए भी अगर रखती हूँ ना, तो पैसा हमेशा इकट्ठा करती हूँ धीरे 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 करके, जब वो इकट्ठा हो जाता है तो मैं हमेशा अपने पैसे चीज़ों में लगाती हूँ। या तो आप FD करा के आप उसका वो खाओ, मतलब जो भी उसका इंटरेस्ट आता है वो लो, या तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि अपना पैसा एक गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए। एक आंटी आई थी वहाँ पे, मतलब एकदम गांव की, देखने में लग नहीं रहा था कि उनके पास इतना पैसा होगा, उन्होंने ये मोटे मोटे 2 कंगन गोल्ड के लिए, वो भी 2 लाख से ऊपर का, उनका 2.25 लाख के आसपास का बैठा था, वो 2 कड़े उन्होंने लिया था। तो उन्होंने बताया कि बेटा मेरे पैसे जब होते हैं ना मेरे पास, तो फिर मैं अपने पैसे गोल्ड में इन्वेस्ट करती हूँ। मैंने कहा आंटी सेम, मैं भी अपने सारे पैसे जो ना ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, जब आप चेंज करोगे भी ना तो भी आपको रिटर्न मिलेगा, आपको पैसे मिलेंगे। अगर सस्ते में लेके, जैसे अभी एक हफ्ते पहले गोल्ड का रेट कम हुआ था, तो उस समय अगर आप लेते, फिर जैसे बढ़ता है तो आप उसको सेल आउट कर दो, तो आपको फायदा ही देता है। गोल्ड और सिल्वर हमेशा आपके काम आता है, मुसीबत में आपके काम आता है। मैंने हमेशा बोला, मैंने न जाने कितनी बार अपने गोल्ड को बेचा होगा, कितनी बार, और फिर मेहनत करती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, खरीदती हूँ, फिर बेचती हूँ, मतलब भगवान ना करे बेचना पड़े, लेकिन कभी ना कभी अगर परेशानी आती है तो चीज़ों को काम ही आता है आपके। मैं इसीलिए बोलती रहती हूँ हमेशा कि कैसे, जैसे मैं पैसों को कहाँ कहाँ डाल के रखती हूँ मुझे खुद भी नहीं पता होता। पैसों को ऐसी जगह पे आप रखो ना कि फिर आपको याद न रहे कि आपने पैसा रखा, जब जरूरत पड़े ना तब आप उनको निकालो, तब आप उनको जो है छेड़ो, तो फिर वो आपके इकट्ठा हो जाएंगे, 10,000, 15,000, 20,000 इकट्ठा करके आप 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में आप अपना पैसा गोल्ड या सिल्वर जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें आप कर सकते हो। मुझे लगता है मेरा ये इन्वेस्टमेंट बेस्ट होता है कि मैं इसमें, एक टाइम था मैंने बहुत सारे चांदी के पायल खरीदे, तो अभी मेरे पास बिछुए का जो है इतना चांदी है बिछुए में मेरे पास, ठीक है, तो कभी जरूरत पड़ेगी तो उसको भी मैं बेच दूंगी या चेंज कर दूंगी। अभी मैंने सारे पायल दिए तो एक पायल मेरा आ गया अच्छा, क्योंकि सारे टूटे फूटे सब ऐसे मतलब खराब ही हो रहे थे, तो मैंने सारे पायल देके एक पायल ले लिया, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है, ये 6-7 के आसपास का मेरे को पायल पड़ा है, बाकी आपके यहाँ चांदी कितने का है कैसे है वो आप पता कर लेना, मैं यहाँ पे मेरे को इतने का ही पड़ा है। तो ये होता है, मैं चीज़ों को बनवाती इसीलिए हूँ कि कुछ कभी मुझे नया चीज़ लेना हुआ तो फिर मैं बनवा के वो कर दूँ। अभी मैंने एक ये छोटा वाला रखा हुआ है, ये देख सकते हो, ये मैंने 2 बनवाए थे बहुत पहले जब मैंने यहाँ पे कान छिलवाया था, तो ये जो है बेटी दे के गई है, बहुत पतला है, तो इसको जब अब मैं पैसे इकट्ठे करूँगी ना, तो इसमें का मैं ऐसा साइज उसके लिए बनवा के उसको ऊपर वाले कान में पहनने के लिए बनवा के दूंगी।
तो मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है कि अब मैं इसको चेंज करके अच्छी सी बाली बनवा के रखूंगी। हो सकता है अभी मेरे काम आ रहा है, सिर्फ पहनती भी नहीं, आप सबको पता है मैं डेली पायल नहीं पहनती, डेली बहुत सारी चीज़ें नहीं पहनती हूँ, और सिर्फ जब ज़रूरत होता है जब पहनती हूँ, लेकिन बनवा के रखूँगी, कभी ना कभी किसी के तो काम आएगा, बेटी के, बेटा बेटा के, किसी के भी काम आएगा। तो गाइज यही था मेरा आज का नया गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी का कलेक्शन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे आप लोगों के सपोर्ट की और प्यार की इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप लोग जितना सपोर्ट करोगे, प्यार दिखाओगे, मैं ऐसे ही आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगी। और अब बिल्कुल भी मैं अजीबोगरीब वीडियो शूट नहीं करने वाली हूँ, और अब कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा वीडियो शूट कर सकूँ। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में। पसीना गर्मी देख सकते हैं, और गरीबी में एक आटा और गीला हो चुका है। मेरा एसी ख़राब हो चुका है, और इसका रिपेयर के लिए कोई 1500 कोई 2000 रुपये मांग रहा है, जो कि अभी मैं नहीं दे सकती हूँ, तो इसलिए कूलर से काम चला रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोज़ में, और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय गाइस, लव यू।